तो आप यहाँ जो ये घास देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि ये ऐसे ही रहता है, ये सड़ता सुड़ता नहीं है। ये देख सकते हो आप खुद ब खुद जो है आ जाती है भैंसे यहाँ पानी के बीच। लिटरली गाइज यार आप कलाकारी देख सकते हो बंदों की। ये है वो पुल देख सकते हो आप यहाँ, ये है डूबर चाटी पुल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, इट्स योर बॉय स्टैन जे। सो गाइज ये हम पहुँच चुके हैं जेडी भाई के घर में। तो यहाँ था हम कल शाम को, हमने स्टे किया था इनके मामू के घर में। तो अभी हम जाएंगे ऊपर बगीचे को। सो गाइज यार ये देख सकते हो पार आप, ये है जग्गा भाई का गांव यहाँ पे। तो इसके साथ ही है नीचे को जग्गा भाई का घर। तो इस साथ ही साथ ये देख सकते हो आप यहाँ चाचा जी नीचे। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो है पशु पालन भी है, बैल देख सकते हो आप, खेती के लिए धान के लिए जो है बैलों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ आप व्यू चेक कर सकते हो चारों तरफ का, काफ़ी प्यारा व्यू है। सो फाइनली गाइस अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट। तो मैं आपको इस जगह के बारे में बता दूँ, जैसे हमारे हिमाचल में सेब जो है काफ़ी बढ़िया होते हैं, तो यहाँ की मैं आपको मिट्टी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मिट्टी यहाँ पे इस तरह से, तो सेब का होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एट द सेम टाइम गाइस आप यहाँ देख सकते हो अभी भी यहाँ खच्चरों में जो है काम किया जाता है। तो ये मेरी तरफ ही आ रही है। सो गाइस यार ये आप बनचौरा गांव के साथ वार को बाज़ार देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ आगे से लेके पीछे तक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे जो सामान है मैक्सिमम दुकानों में सब कुछ अवेलेबल है। तो इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, आपको जहाँ ट्रेडिशनल हाउस है ऊपर वहाँ भी आपको विजिट कराएंगे। फिलहाल आप मार्केट का व्यू देख सकते हो यहाँ पे, पूरे का पूरा पैकेट ही ले लिया। तो अभी हमारे को काफ़ी हाइट में जाना है, ऊपर इस साइड में जाना है। तो अभी हमारे भाई लोग भी चले हैं। तो गाइस आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू। गाइस आप देख सकते हो जाम आए अभी पूरा नीचे से लेके, हमें अभी यहीं पे सेब मिला है। तो गाइस जैसे आप यहाँ बनचौरा में ऊपर हाइट की ओर आते हो, तो आपको इधर मिट्टी जो है बढ़िया चिकनी मिट्टी मिल जाती है। तो इधर आप सेब लगा सकते हो, और नीचे की तरफ जो है पथरीली मिट्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें सेब लगने के चांसेस भी नहीं है। तो इधर अपने भाई लोग चले हुए ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर जाना है, बस थोड़ा सा रह गया अब यहाँ पे। गाइस इतनी हाइट में हम आ चुके हैं, तो ये पहला घर मिला है यहाँ पे हमें। खेत देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ से जो है सरसों का तेल उत्पन्न किया जाता है। मटर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, तो आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी प्यारा व्यू देख सकते हो आप, पूरा का पूरा हाइट हाइट में आ गया ऊपर को। तो सब कुछ मिलेगा इधर खेती करने के लिए, मटर सेब मक्की सब कुछ। तो सेब की हालत तो देख सकते हो आप, काफ़ी बुरे हाल है सेबों को इधर, ना ही बताए तो ही बढ़िया है। आई थिंक इज गाइस व्यू तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, देख सकते हो आप दूर दूर तक। बाकी आप यहाँ देख सकते हो चढ़ाई पौधा, आप देख सकते हो अखरोट का पौधा है, पुराना पेड़ है। कितना पुराना है? तो ये पौधा जो है जेडी भाई के पापा ने लगाया है, काफ़ी ज़्यादा पुराना पौधा है। तो ये देख सकते हो आप, ये है इधर जेडी भाई का खेत, इधर पूरा ये पार तक, यहाँ पार डोगरी देख सकते हो आप, हम पहुँच चुके हैं। तो फाइनली सो गाइस मैं बता दूँ आपको, डोगरी बोलते हो उस जगह को जो कि गाँव से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर और दूर होती है, जहाँ मतलब इधर के लिए सड़क सड़क की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इधर पैदल ही आना पड़ता है। कम से कम हमें 2 घंटे तो अप्रॉक्स लगे यहाँ तक आने के लिए। तो अभी देखते हैं अंदर जाके। सो गाइस यार हम पहुँच चुके हैं डोगरी में। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, कितना प्यारा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको अंदर जो आपको कारीगरी दिखाऊंगा ना यहाँ पे, किस तरह से अंदर जो है घर को मेंटेन किया गया है अंदर से पूरा का पूरा। तो अभी मैं आपको अंदर का पूरा रिव्यू दिखाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, देख सकते हो ऊपर से इसमें छत दिया गया है, काफ़ी बढ़िया छत दिया गया है पत्थरों से, और इधर परे देख सकते हो आप घास से भी छत दिया गया है। तो जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी यहाँ एक गौशाला, जो कि आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुली और बड़ी है काफ़ी ज़्यादा। तो इधर
भेड़ बकरियाँ जो है खिलाती है इधर पूरे इस कमरे में, रूम में, अरे की तरफ को। तो बाकी आप ऊपर छत देख सकते हो किस तरह से जो बढ़िया दिया गया है, लकड़ से, लकड़ के जो फट्टे होते हैं उनसे दिया गया है पूरा जो बढ़िया। और इधर देख सकते हो आप बिना किसी सीमेंट और रेते से दीवार देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया दीवार दी गई है पूरी की पूरी परे तक। यहाँ इधर देख सकते हो आप जितनी भी भेड़ बकरियाँ हैं इस रूम में जो है रहती है, यहाँ परे तक पूरा का पूरा। और ऊपर जो है यहाँ देख सकते हो आप, और जो बेस्ट है यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर कुछ सामान वगैरह रखना होगा पशुओं के लिए जो यहाँ पे भेड़ बकरियाँ तो ऊपर किस तरह से बनाया गया है बढ़िया सा। तो गाइस यार यहाँ की जो इंटरेस्टिंग बात है इस कमरे की, तो आप पीछे देख सकते हो पीछे यहाँ जो है घर बनाया गया है, यहाँ पे जो है सोने के लिए भी यहीं पे है। तो मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे पीछे अपने भाई लोग, तो रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। इस पे देख सकते हो आप चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ी लगाई गई है, बहुत ही प्यारा प्यारी सी सीढ़ी लगाई गई है ऊपर चढ़ने के लिए। और जो कपड़े हैं इधर रखे हैं साइड को, और तो देख सकते हो आप यहाँ पे फैसिलिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है रोड जहाँ पे है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, का मतलब 3-1 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो आप इधर देख सकते हो किस तरह से जो है यहाँ खाना बनाया जाता है, और इसको बोलते हैं चूल्हा देख सकते हो आप, यहाँ पे आग जलाई जाती है बढ़िया, एकदम खाना बनाया जाता है बढ़िया सा। और इधर रखा जाता है परे को, जो ये कहना कहते हैं बर्तन होते हैं उनको इधर रखा जाता है परे। यहाँ से तो आप रोशनी के जो वेंटिलेटर निकाले गए यहाँ पे, क्योंकि लाइट की तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो इसके साथ ही आप यहाँ से भी देख सकते हो गोल्डन और रॉयल है शायद, हाँ। तो इसके साथ ही आप ऊपर छत देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया छत दिया है। तो इसके साथ ही हमारे भाई लोग भी इधर ही बैठे हुए हैं, तो संदूक देख सकते हो आप जो कि हमारे इधर भी होते हैं अभी। तो रिव्यू लेना चाहेंगे हम अक्षित जी का, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे जो आप दोगरी में आए ऊपर? जी ये तो मैंने मतलब देखा ही नहीं अभी तक, फर्स्ट टाइम देखा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कारीगरी कैसी की गई? कारीगरी बहुत ही खतरनाक है, मतलब मज़ा आ गया एक तरफ से, नीचे से मतलब इधर परे को भीड़ बकरी और ऊपरी साइड खुद का बिस्तरा, मतलब एकदम अमेजिंग लुक, अमेजिंग मजा आ गया मतलब देख के भी। तो ऐसा हमने इससे पहले कभी देखा नहीं था वैसे, है ना, यही देखा फर्स्ट टाइम। आरजी भाई आपने देखा था ऐसा कहीं? ना जी फर्स्ट टाइम देख रहे भाई। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस, अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर यहाँ पे एक रात गुजारेंगे, गुजारना चाहते हैं, लेकिन मतलब एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि मतलब नीचे से बकरियां इधर भी बकरियां, मतलब ऊपर हम सोएंगे कैसा मजा आएगा, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहेगा ना वो चीज। तो यहाँ पे जगदीश भैया की जो मम्मी जी है, तो ये घर है कितना साल पुराना घर है यहाँ पे? 70-80 साल पुराना है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे फैसिलिटीज तो इसका नहीं होगी क्योंकि ये काफी दूर है से। वैसे गांव में तो नीचे बढ़िया घर बना रखा है इन्होंने, तो यहाँ तो मतलब यहाँ किस वजह से रहते हैं यहाँ पे आप? बकरी की वजह से रहते हैं, बगीचे की वजह से रहते हैं। अच्छा, बगीचा है आपका यहाँ दूर? अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी है थोड़ा बहुत, मतलब खेत भी इधर ही है ज्यादा से ज्यादा। एक तो इनके खेत है इधर, तो इस वजह से जो है खेतों में यहाँ रहना पड़ता है। तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम है, आप भी ऊपर भी देख सकते हो छत किस तरह से दिए गए हैं। गाइस यार ऐसा सिस्टम आपने कहीं नहीं, मतलब मैक्सिमम कम जगहों में देखा होगा। कमेंट सेक्शन में बताना। इसके ऊपर यहाँ खुश होते हैं और नीचे को यहाँ पे जो है भेड़ बकरियाँ रहती है इधर नीचे को। तो इधर अपने डॉगी, द बेस्ट थिंग इज गाइस आप इधर देख सकते हो छत बहुत ही ज़्यादा प्यारे और घास से कवर किए गए जिससे पानी वगैरह अंदर ना जाए। और हाँ सबसे बढ़िया चीज़ देख सकते हो आप यहाँ पानी की, यहाँ दिक्कत रहती है तो किस तरह से जो है जो पशुओं के लिए जो है पानी स्टोर किया जाता है, ड्रम का कितना बढ़िया प्रयोग किया गया है पानी के, पानी को स्टोर करने के लिए। और व्यू चेक कर सकते हो आप, काफ़ी प्यारा व्यू है पूरा का पूरा। यहाँ पे छत देख सकते हो कितना बढ़िया दे रखा है घास, जिससे जो अंदर गर्मी पैदा रहती है, जिससे अंदर बारिश वगैरह ना जाए, पानी ना जाए, और अंदर भी गर्मा गर्म रहे बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है हमारा रिव्यू यहाँ के, मतलब काफ़ी अच्छा सा लगा यार, जो हमने हमारे पूर्वजों ने पहले किया है आज वही यहाँ पे हो रहा है। हमारे पूर्वज भी पहले इस तरह से रहे होंगे शायद। तो इधर भी देख सकते हो आप घास के लिए रखा है इधर, बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे। तो पूरा देख सकते हो आप, रिव्यू चेक कर सकते हो घर इधर, जो व्यू तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम व्यू है यार, पूरा का पूरा प्यारा सा व्यू।
गाइस मैं आपको बता दूं यहां का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और यहां पे जो हमने इंजॉय भी काफ़ी किया। आपको हमने घर दिखाया, एक लगभग 70-80 साल पुराने घर है ये। तो सुबह से मेरे को मतलब ब्लॉग करने का मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ पे यार। तो जब हम यहाँ पे आए, यहाँ का जो व्यू देखा, और आप व्यू क्वालिटी देख सकते हो यार गाइस, फ़ोन में इतनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है, और जो व्यू आ रहा है इतना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है ना गाइस, कि यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जो सिस्टम है अंदर का इतना ज़्यादा प्यारा बनाया है ना, विदाउट किसी फैसिलिटीज़ के, क्योंकि यहाँ पे रोड वगैरह नहीं है ना, अगर रोड होता इधर तो फुल फैसिलिटी होती, घर अच्छे होते। और क्योंकि इनके घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इधर खेत काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो घर भी इधर ही बनाए हैं सबने लोगों ने, तो जिससे जो है यहाँ पे इनको आसानी रहती है खेतों में काम करने के लिए। तो उस वजह से ही घर भी इतने दूर दूर बनाए हैं लोगों ने। तो यहाँ से जो मेन स्टेशन है बाजार, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है नीचे। भाई भैया जी ने जो है फुल हमारी सेवा खातिरदारी की है। यहाँ ब्लैक टी देख सकते हो, थैंक यू। इधर अपने नानी जी, जो कि नानी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रह के, दोगरी में 6 महीने हो गए। आप कब से रहते हैं यहाँ पे? घर तो आपका नीचे गाँव में होगा। अच्छा, अप्रैल के बाद यहीं आते हैं, यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, उस वजह से आते हैं आप यहाँ। बाकी घर तो नीचे हो गया आपके। चलो बढ़िया। हाँ जी जेडी भाई, आप 8 साल बाद आए, कैसा लगा आपको इधर आपके गांव का जो व्यू है? व्यू तो एकदम मजेदार है। वो कैसे लगा 8 साल बाद देखा आपने? बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा था। इससे पहले 8 साल पहले देखा आपने इनको है? उस टाइम तो छोटे जैसे थे, अब तो दाढ़ी मूछे आ गई, बड़ा हो गया अब तो यार। तो आप यहाँ जो घास देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि ये ऐसे ही रहता है, ये सड़ता सुड़ता नहीं है। तो नानू जी आपको बढ़िया से बताएगा। नानू ये जो घास रखा है आपने ऊपर जो छत पे, घास का है ये चुलटा बोलते हैं उसके लिए, चुलटा चुलटा चीड़ का, चीड़ का पौधा। तो इसको क्या ऐसे ही होता है कि इसको चेंज किया जाता है? नहीं, जैसे पेड़ ना। हाँ जी। तो जब जेठ के में, अच्छा जो ये बड़ा पौधा है पर इसके, इसके अच्छा अच्छा बोलो बोलो। जेठ जब वो गिरता है ना, तब उसको सो के लाते पेट में। हाँ जी। तब उसको छान ऊपर डालते हैं इसको। अच्छा, फिर यहाँ पे बिछाते पूरा है, जिससे गर्म भी रहता है और बारिश बुरिश भी नहीं आती अंदर। पहले तो अंदर तिरपाल डाला है आपने, चूने के बारे में पता रहा था उसको ना, जोता नहीं तब ना। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद से फिर ये घास। अच्छा अच्छा, बढ़िया सिस्टम कर रखा है आपने। भाई जी जो है बिल्कुल हमारे सेवा में लग रखी है, इधर मक्की इन्होंने पका के ला दी है। तो गेट दिस गाइस, आप जहाँ तक भी देखोगे यहाँ क्यारी क्यारी दिखेगी आपको नीचे की तरफ को। तो उत्तराखंड का व्यू एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा तबाही होगा। इधर ही अपने दोस्त लोगों से मिल रहे हैं। हेलो दोस्त। हेलो दोस्त, ये क्या बनाया? ओहो, ये क्या बनाया आपने इधर? ये डालने वाली गाड़ी है, ये डालने वाली गाड़ी है। ये किसकी गाड़ी है? इधर पिकअप मैक्स आर्जेंट ट्रैक्स ट्रैक्स है, ट्रैक्स है। ये देखो आगे लिटरली गाइस, आप यहां बच्चों की वो देख सकते हो कलाकारी जो है, देखो आगे से काफी ज्यादा बढ़िया। बोनट 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 बनाया है ऊपर हुआ है। कब से सीख रहे हो आप ये काम बेटा? ये बस का है, बस का है ये, बस है बस यहाँ पे, ये बस यार, बस तो ये यहाँ देखो। ओहो, बस बस किसने बनाई? मां इधर कलाकार बंदे हमारे पास। ये क्या है इधर? क्या रोड? और इधर रोड चेक कर सकते हो आप बच्चों का जो है, काफी बढ़िया रोड है यार। इधर पार्किंग है, इन्होंने पार्क जोन बनाया हुआ है काफी बढ़िया। होटल हो, होटल हो, होटल है ये यहाँ पे होटल बनाया हुआ है। तो यार बच्चों का क्रेज देख सकते हो आप कितना है गाड़ी गाड़ियों के लिए। तो इधर ये किसका ट्रक है इधर? तो लिटरली गाइस यार, आप कलाकारी देख सकते हो बंदों की। ट्रक भाई, ट्रक देख सकते हो आप किस तरह से जो है। किसका है, किसका ट्रक है ये? तो ये है, इन भाई साहब ने पकड़ो जरा, इन भाई साहब ने जो है ये ट्रक बनाया हुआ है। चलो फिर ठीक है, फिर है ना, मिलते तुम्हारे से। ओके भाई, बाय बाय कर दो यार, बाय कर दो सब, यहाँ कर दो कैमरे में, बाय बाय कर दो सब ने। चलो ठीक है फिर है ना, चलते पार। ये जो डोगरा चांटी है ना, हाँ जी, बहुत ऐतिहासिक पुल बना है इस बार। हाँ जी, उसमें जो है सामू जो लाइट है सारी लग्जरी लाइट है जितनी भी है। वो पुल कितना लंबा पुल है वो? लगभग लगभग यार 2-3 किलोमीटर तो हो गया होगा सीधा ही। अच्छा, सीधे सीधे पे ये टीरी झील पे बना हुआ है। झील, हाँ ये है, ये 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 है डोगरा चांटी। हाँ ये है, ये पुल, ये है वो पुल, देख सकते हो आप।
यार इधर देख सकते हो आप, भैंसों के लिए बनाया होता है, क्योंकि भैंस जो है गर्मी में बाहर नहीं निकलती, तो धूप में बाहर नहीं निकलती, तो यहाँ पे खुद ब खुद आती है और पानी के बीच बैठ के चली जाती है। गाइस यहाँ देख सकते हो आप, इधर पा रहे हैं नाग टीपा, वो इधर व्यू तो आप देख सकते हो यार, एकदम खतरनाक व्यू, काफ़ी ज़्यादा प्यारा। गाइस आपको मैं बता दूँ ना, ऊपर जो पानी इकट्ठा किया था ना, तो इस तरह से जो है भैंसें वहाँ आती है और मतलब चली जाती है, भीग भूख के चले जाती है। क्यों क्यों जाते हैं पानी की वजह यहाँ पे ऐसे? ठंडक के लिए। ठंडक के लिए? क्या इनको गर्मी लगती है? अच्छा अच्छा, निकाले निकालने पड़ते हैं यहाँ पे, खुद आते। ये देख सकते हो आप, लिटरली गाइस यार आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, भैंसे जो है ये पानी के बीच इसलिए आती है क्योंकि इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे जो यहाँ पानी के बीच इनको खुद ब खुद आ जाते हैं, यहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखा होता है यहाँ पे। तो फाइनली गाइस अभी हमारे को टाइम हो गया यहाँ से जाने का, तो आपको हमने ये घर भी दिखा दिए यहाँ के उत्तराखंड के जो सबसे पुराने घर, तो इसके बाद अब जाएंगे हम घर। तो आज का ब्लॉग हमारा यही एंड होता है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।